still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. हेलो गाइस, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो भाई, बकरीद के बाद जो व्लॉग मैंने अपलोड किया उसके बाद दो दिन का रेस्ट लिया, क्योंकि हिम्मत थी नहीं ज़रा सा भी व्लॉग बनाने की, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आज फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी फ़िलहाल जाने की तैयारी में, हम कहीं निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके लिए ये आप लोग देख सकते हो, कपड़ा आयरन करवाने के लिए ले जा रहे हैं। कपड़ा आयरन के बाद फिर निकलना है आपको, जा करके 2 बजे या 3 बजे के आसपास निकल जाना है। तो कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए व्लॉग को। ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, साथ व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। देखो ना इधर जी, देखो ना। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो बने रहिए ऐसे ही व्लॉग में आप लोग। तो भाई, सीन कुछ अभी ऐसा है कि सामान वगैरह सब ले लिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और मस्त मौसम किया हुआ है। तो अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं घर। जाना है, गाड़ी वाड़ी धोना है, फोर व्हीलर, और उसके बाद नहा करके, अभी कपड़ा नहीं आयरन करके दिया है, कपड़ा लेने के लिए एक बार और आना पड़ेगा। तो फिर आएंगे और नहा धो करके फिर निकल जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। आप लोगों को जब गाड़ी पर बैठेंगे तो बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो भाई, कपड़ा वगैरह आयरन करके ले करके चले आए हैं और अब धो रहे हैं गाड़ी, क्योंकि गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो जाने के लिए गाड़ी भी धोना पड़ेगा। और गए थे गया तो उस चक्कर में गाड़ी नहीं धुला पाई थी, तो सोचा था कि एक दिन जाना ही है तो आराम से गाड़ी भी धो लेंगे। तो मोटर हो गया है चालू और पानी मार करके मोबाइल नवीन जाए, पानी मार के गाड़ी को धो लेते हैं, एकदम चकाचक बना देते हैं गाड़ी को। और उसके बाद फिर टाइम भी बहुत काफ़ी हो चुका है, तो इसलिए जल्दी जल्दी अब करना पड़ेगा और फिर निकलना भी है। तो चलिए गाड़ी को धोते हैं पहले बढ़िया से। तो गाड़ी को पहले धोते हैं बढ़िया से, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं गाड़ी धोने के बाद, तैयार होने के बाद। गाड़ी धोते धोते जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मोहम्मद को देख लीजिए, यहाँ पे गाड़ी धो रहे थे। तो मोहम्मद बोला कि दिल कर रहा नहाने का, गाड़ी देख लीजिए आप, चकाचक हो चुकी है, फर्स्ट क्लास एकदम। पैंट पहन गया बेटा, ना बोल रही है, अच्छा रह दीजिए। तो चलिए नहा रहे हैं, साथ लोग नहा रहा है और मोहम्मद नहा रहा, साथ को तो दिखाएंगे नहीं इसलिए कि पूरा कपड़ा उतार के नहा रहा है। तो यही सब है और गाड़ी लगभग धुला चुकी है कंप्लीट। तो भाई, पसीने पसीने होने के बाद गाड़ी माशाल्लाह फाइनली चकाचक हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं और अपने खुद चकाचक होते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई, गाड़ी धोने के बाद फिर एक काम पड़ गया, तो अभी निकल चुके हैं हदिया की तरफ, देख सकते हो आप लोग, हदिया की तरफ निकल चुके हैं। कुछ काम पड़ गया, कुछ सामान लेना था, उसके बाद जाएंगे। तो जाने के बाद फिर नहाएंगे, पूरा भींग चुके हैं पानी से, पसीने से, बट अब जाएंगे तो वहाँ जाकर के फिर नहाएंगे। तो भाई, निकलने के लिए गाड़ी पे बैठ चुके हैं और रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, माशाल्लाह फर्स्ट क्लास रेडी। इसको मारना है इसमें गाड़ी में, क्योंकि महक बहुत रहा है, बंद बंद गाड़ी में महक हो जाती है गाड़ी में, तो इसको मारेंगे परफ्यूम को। और रेडी हो चुके हैं बढ़िया से, बस अब निकलना है यहाँ से। थोड़ा गाड़ी की एसी वैसी चालू कर देते हैं कि फर्स्ट क्लास ये हो जाए, महक निकल जाए इसकी। तो चलिए फाइनली आप लोगों को बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं अपने ससुराल। तो चलिए ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए आप लोग और आप लोगों से रास्ते में मिलते चलेंगे, क्योंकि अभी जल्दी निकलना है, टाइम काफ़ी हो चुका है, टाइम 4:30 हो चुका है। तो चलिए फटाक से चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। तो भाई, निकल चुके हैं फाइनली और जैसा कि देख रहे हो आप लोग, अपने एरिया में हैं फिलहाल अभी। तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं इसलिए कि टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, बहुत लेट निकले हैं यहाँ से, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। मौसम की वजह से थोड़ा एसी तेज़ चलाए हुए हैं, ये नॉर्मल हो जाए। और देख लीजिए आप लोग, मौसम कितना ज़बरदस्त है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मौसम लाजवाब है, एकदम लाजवाब। तो चलते हैं यहाँ से और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो आप लोग मौसम इंजॉय करते रहिए थोड़ा देर के लिए, उसके बाद फिर वीडियो बंद हो जाएगा। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. तो भाई पहुंचने के बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा, सारे लोग एक जगह पे बैठे हुए थे और अभी शाम का टाइम हो चुका है और शाम के टाइम में लग रहा है चिकन का कबाब, जो कि हमारा फेवरेट है। तो चलिए इस चिकन के कबाब को एंजॉय करते हैं और आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखते रहिए साथ में। तो भाई चलिए, अब खाने का टाइम हो चुका है और आप लोग जैसा कि देख रहे हो खाना लग चुका है। तो चलते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 11 के आसपास टाइम हो गया है और भूख भी ज़ोर की लगी हुई है और हमारा फेवरेट बिरयानी है। तो चलिए फटाक से खाते हैं इसको और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सारे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हो और साथ में सारे लोगों के साथ चल रहा है खाना, रात का डिनर टाइम। तो यही सब है यहाँ पे। वीडियो को मुझे आवाज़ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट मॉर्निंग है आज। आप लोगों को बताना ये था कि कल हम अपने ससुराल पहुँचे, लेकिन वीडियो डालने का नहीं बन पाया इसलिए कि साथ में मेरे साड़ू भी थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। आदमी रहता है तो थोड़ा सा आदमी के बीच में बातचीत ये बहुत इज दैट, इसलिए टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, तो वीडियो नहीं बना पाए। तो अभी सो करके उठे हैं, थोड़ा देर हुआ है तो अभी वीडियो बना रहे हैं। तो यही बताना चाहते हैं आप लोगों को कि वीडियो आज देखिए, आज या फिर कल वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा शूट हो नहीं पा रही है तो वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। जब वीडियो रहेगी नहीं तो शूट कहाँ से होगी। तो यही सब बात है, देखते हैं कि वीडियो कब अपलोड होती है। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, अभी जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, बाथरूम वगैरह जाएंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद फ्रेश होकर फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई फ्रेश होने के बाद अभी जस्ट बैठे हैं नाश्ते के लिए, सूखा नाश्ता आ चुका है और खाते खाते सुबह शाम दोपहर खाते खाते परेशान हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो नाश्ता लग चुका है। धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आदमी है यहाँ पे तो ज़ोर से बोल नहीं सकते। तो आप लोग देख सकते हो भाई नाश्ता पूरी तरह से लग चुका है और अभी आ रहा है, तो हम लोग नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। अफसर भाई भी जो हैं वो भी आ रहे हैं और धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे आदमी है इसलिए ज़ोर से नहीं बोल सकते, तो आप लोग आवाज़ को कम्प्रोमाइज़ कीजिए थोड़ा बहुत आज के दिन से भी बस, उसके बाद तो फिर आप लोगों को बढ़िया आवाज़ मिलेगी ही मिलेगी। चलिए ठीक है, यहाँ से करते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई अभी टहलने के लिए थोड़ा आ गए हैं रोड पे मार्केट में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो बांके बाज़ार। चलिए यहाँ से थोड़ा सामान वगैरह लेकर के उसके बाद फिर निकलेंगे घर पे, और बस यही घर बाहर यही हो रहा है यहाँ। तो चलेंगे इंशाल्लाह कल निकलेंगे यहाँ से। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए, अब ब्लॉग 2-3 दिन बाद ही मेरे ख्याल से अपलोड होगा। तो भाई चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
आज यहाँ से निकलने का दिन है, यहाँ से निकलेंगे तो फिर आप लोगों से मिलेंगे घर पर।